नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर थल से है, जहां पुलिस क्षेत्राधिकारी महेश चंद्र ने थल थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों से हथियार की जानकारी ली और साथ ही उन्होंने अवैध शराब, अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अर्धवार्षिक निरीक्षण के दौरान मेरे द्वारा थाने के जो राजकीय संपत्ति है उसका सत्यापन किया गया, उसको देखा गया कि उसका रखरखाव कैसा है। और इसके अलावा जो यहाँ पर हमारे अधिकारी कर्मचारीगण तैनात हैं, उनका सम्मेलन लिया गया, उनसे उनकी समस्याएं जानी गईं और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त जो हमारे थाना थल की जो अपराध की स्थिति है, उस अपराध की स्थिति की समीक्षा की गई कि कितना यहाँ पर अपराध हुआ और उसका कितने अपराधों का वर्कआउट किया गया और क्या गुड वर्क पुलिस द्वारा वर्ष भर में यहाँ पर किए गए। इसके अलावा जो स्थानीय नागरिक हैं उनको बुलवाकर उनकी मीटिंग ली गई, उनसे भी उनकी समस्याएं जानकारी ली गई उनकी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए थानाध्यक्ष स्थल को आवश्यक निर्देश दिए गए। खबर हरिद्वार से है, जहां तेलपुरा गांव निवासी आफताब आजम यूक्रेन से सकुशल वापस अपने वतन लौट आए हैं। आपको बता दें कि एसडीएम ब्रजेश कुमार तिवारी ने छात्र के परिवार वालों से मिलकर छात्र को जल्द भारत लाए जाने का आश्वासन दिया था। वहीं आफताब आजम के गांव लौटने पर परिजनों ने ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया। खबर उत्तराखंड से है, जहां पे होमगार्ड भर्ती के नाम पर जिला कमांडेंट पर 1,00,000 रुपए लेने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि होमगार्ड भर्ती के लिए गांव के निवासी राकेश कुमार ने एक युवक से 1,00,000 रुपए लिए थे और होमगार्ड में भर्ती कराने का दावा किया था। वहीं पीड़ित ने डीजीपी उत्तराखंड को पत्र लिखकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सर, 20/3/2017 में तो मेरा एक छोटा लड़का था, उसके संदर्भ में हुई थी बात होमगार्ड में नौकरी के लिए। यो मेरे घर गया। कौन? राकेश कुमार सीसी। तो इसने कहा, भाई छोटे लड़के का तेरा काम हो सकेगा अगर आप आज पैसे दे दो। मैंने कहा, भाई पैसे मेरे पास नहीं हो, मैं तो बैंक में से पैसे दे सकूँ। तो उस पर आप खुद ही जो हो FD पर लोन लेकर जब इसे पैसे दिए। और मेरे पिताजी तो 20 साल पहले मर गए थे, घरवाली मेरी 17 साल हो गई मर गई थी, मैं तो बच्चों का अपना पालन ही बड़ी मुश्किल तक किया। और जो मेरी FD पर मैंने लोन लिया था वो भी फिर मैंने बंद करवानी पड़ी, वो तो मेरे पूरी नहीं हुई। तो क्या ब्याज पर कहाँ से देता? तो क्या आप ब्याज पे पैसे देते थे? या बिल्कुल नहीं देता। 10 बीघे जमीन है मेरे पास, देख लो 10 बीघे वाला जमीन अपने बच्चों को पालेगा या ब्याज पर पैसे देगा? आगामी 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए कार्मिकों के लिए आज प्रेक्षागृह पौड़ी में मतगणना प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आयोजित प्रशिक्षण में मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वो ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण में 450 कार्मिक शामिल रहे और इस अवसर पर कार्मिकों को मतगणना और EVM की संपूर्ण जानकारी दी गई। EVM मशीन की जानकारी देते हुए परियोजना स्वजल दीपक रावत ने कार्मिकों को कहा कि मतगणना से पूर्व EVM मशीन की भली भांति जांच करें। खबर सुल्तानपुर पट्टी से है, जहां प्राइम टीवी की खबर का असर देखने को मिला है। बता दें कि आदर्श नगर के मेन रोड पर एक जर्जर बिजली का पोल था, जिसे कई लोग हादसे का शिकार हो रहे थे और इसकी शिकायत की भी गई थी और जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसके खिलाफ प्राइम टीवी के रिपोर्टर ने आवाज उठाई और बिजली विभाग को सूचना दी। बिजली विभाग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पोल ठीक करवाया। ये विद्युत पोल जो जर्जर हालत में खड़ा हुआ था, जो गिरने की कगार में था, मैं प्राइम न्यूज रिपोर्टर श्री सलीम रजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनकी प्रयास से ये विद्युत पोल का जो है मरम्मत का कार्य आज शुरू हो गया है, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से बची है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिजली के ये जो पोल का था, इसमें सलीम राजा ने प्राइम न्यूज का न्यूज निकाला था, इसकी वजह से ये जो है कार्रवाई हो रही है, इसको सही करा जा रहा है। और मैं प्राइम न्यूज का और सलीम राजा का बहुत जैसे धन्यवाद।
युद्धग्रस्त यूक्रेन से उत्तराखंड के छात्रों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। घर पहुंचने पर छात्र जहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहीं उन्हें अपने भविष्य की चिंता भी सता रही है। बीते दिन यूक्रेन से विकास नगर तहसील के धर्मावाला गांव का छात्र अपने घर लौटा है। यूक्रेन से लौटे छात्र सागर सैनी ने कहा कि शुक्र है कि घर लौटाए, वहां की हालत काफी ज्यादा खराब है। इसी के साथ छात्र ने वतन वापसी पर पीएम मोदी के प्रयास की सराहना की है, साथ ही फंसे हुए छात्रों को जल्द से जल्द वापस लाने की अपील भी की। देखिए, पहली बात, हमें निकलते ही ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मार्शल लॉ अभी यूक्रेन में लगा है तो ट्रांसपोर्ट करने में बहुत दिक्कत आई। हमने अपनी बस बुक की है, उसके बाद हम लोग बॉर्डर तक आए हैं। बॉर्डर से भी 5 किलोमीटर पहले बस को रुकना पड़ा, क्योंकि मैंने बताया आपको मार्शल लॉ लगा है, बॉर्डर तक बस नहीं जा सकती है, तो 5 किलोमीटर के लगभग हमें पैदल चलना पड़ा। उसके बाद बॉर्डर पे हम लोग पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी बहुत भीड़ थी, लगभग मान लीजिए 2-3 हज़ार लोग अटके हैं वहाँ पे ऑलरेडी, तो वो बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत टाइम लगा, तो ये दिक्कत आई, 2 रात हमें वहाँ पे रुकना पड़ा। इसी सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत ही खुशी हुई, और मतलब ऐसे संकट से निकल कर आ रहा बच्चा, तो इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी हमारे लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत खुशी है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को और मोदी सरकार को कि बच्चों को ऐसे हिसाब से निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी, बड़े संकट से निकाल दिया। हरिद्वार में एसपी देहात परमिंदर सिंह डोभाल ने बुग्गावाला थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। थाने में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए एसपी देहात ने पुलिस को व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। एसपी देहात ने बुग्गावाला थाना में मालखाना कार्यालय, शस्त्र, आपदा उपकरणों, अभिलेखों, भोजनालय, बैरकों का निरीक्षण किया। उन्होंने थाने में हिस्ट्री शीटरों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। थाना परिसर की साफ सफाई के साथ साथ भोजनालय, बैरक में नियमित रूप से स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। चमोली में जीआईसी नारायण बगड़ और जीआईसी असेंड सिमली का 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। इस मौके पर शिविर के दौरान बेहतर कार्य करने वाले स्वयंसेवी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में एनएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यहाँ छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व निर्माण में विशेष सहायक है। उन्होंने 7 दिवसीय शिविर के दौरान स्वयंसेवी छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नशा मुक्ति अभियान, स्वच्छता अभियान, पेंटिंग प्रदर्शनी के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाने की सराहना भी की। हमारा जो एनएसएस का ये 7 दिवसीय विशेष शिविर रहा है, उसमें छात्रों ने बहुत अच्छे से प्रतिभाग किया और यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम और दिन में मध्यान्ह भोजन के उपरांत वाद विवाद, क्विज प्रतियोगिताएं, अंताक्षरी, बहुत सी एक्टिविटीज़ बच्चों ने की, और उसमें बहुत से बच्चों ने एनएसएस का जो उद्देश्य है वो सही उद्देश्य क्या है कि बालक का सर्वांगीण विकास। विद्यालय की जो पढ़ाई है क्लासरूम तक ही सीमित है, लेकिन असली जो बालक का बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक तीनों ही विकास होना चाहिए, तो वो एनएसएस का लक्ष्य है। हमारे द्वारा यहाँ पर समाज से जुड़कर समाज में फैली कुरीतियों तथा भावों, अलग अलग विचारधाराओं को जाना तथा उन्हें दूर करने के लिए एक समाजसेवी के रूप में भी प्रयत्न किया गया। हमारे कार्यक्रम अधिकारी की उपस्थिति में हम सब लोगों द्वारा समाज से जुड़कर सामाजिक विचारधाराओं को तथा सामाजिक जो पुराने ज़माने के व्यक्तियों की सोच होती है उन्हें बदलकर एक अच्छी सोच तथा भारत के विकास में अमूल्य योगदान दिया। खबर रुड़की से है, जहां के सोत मोहल्ला के धोबी घाट पर भीषण आग लग गई, जिससे घाट पर बने कमरे में लाखों का सामान और कपड़े जलकर राख हो गए। वहीं सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। ऐसे तो किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सभी दहोग भी यहाँ पे मिलकर कपड़े धोते हैं और जो मतलब जो है नहीं धुलते तो वो कमरे में रख जाते हैं, और रात को किसी ने आग लगा दी, और रात को 3 बजे यहाँ से एक बंदा घर पर पहुँचता है और बताता है कि भाई वहाँ तुम्हारे धोबी घाट में आग लगी है कमरों में। चौकीदार गया था।
दस आठ नौ दस लाख का है लोगों का है ये, आप हमारा अपना तो है नहीं, सभी कस्टमरों का है, किसी का होटल का है, किसी का हॉस्पिटल का है, किसी का टेंट का है। 3:10 पर हमें सूचना मिली कि धोबी घाट पर आग लगी है, जिस पर तुरंत हमने कार्रवाई करते हुए अपनी दोनों गाड़ियां, एक छोटी गाड़ी और एक बड़ी गाड़ी को MFA को भेजा, क्योंकि वो कंजेस्टेड एरिया था और वहां पर एक लोहे का रोड पर बैरियर लगा हुआ था। इस वजह से हमने एक छोटी गाड़ी भी उसी के साथ साथ भेजी। वहां पर देखा तो आग कपड़ों के गठरियों में आग लगी हुई थी, किसी से बीड़ी कुछ गाड़ी छूट गई है या पीछे से उनकी जो खिड़की, जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमारे लोग तो रहते नहीं हैं और पीछे से खिड़की से भी शायद किसी ने ऐसे ही कोई चिंगारी वहाँ स्टोर तक पहुँचाई गई है, तो उसमें उनका लगभग लगभग आज सुबह भी मैं गया तो वहाँ पर जांच करे तो लगभग लगभग 3.5-3.75 लाख के आसपास का नुकसान होना बताया गया है। लक्सर में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। चोरों ने बसेड़ी गांव में हाईवे पर एक कारोबारी की थोक की दुकान पर हाथ साफ किया। दुकान के शटर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए का परचून के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की यह हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीड़ित दुकानदार ने इस मामले में पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। वहां सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। हम कल रात 8 बजे अपनी दुकान बंद करके घर गए सर, और सर हमने अपने कैमरे जो है ऑनलाइन करा रखे हैं सर, तो सर हमारे कैमरे सर कल रात 12 बजे तक चल रहे थे सर, तो हमारे कैमरे कल रात 12 बजे तक चलने के बाद फिर बंद हो गए थे सर। तो हमारे पिताजी फिर मेरे पास आए कल रात को 1:30 बजे लगभग कि बेटा तुम्हारे कैमरे बंद हो गए, उसके बाद देख लो जाके। फिर मैंने कहा पापा जी कि वो तो कैमरे बंद जाते हैं, ट्रिप मार जाते हैं, मैं कहा थोड़ी देर बाद चल जाएंगे, फिर वो थोड़ी देर बाद चले नहीं सर। तो फिर हम सर सो गए सर। फिर सर तो सर जब हम सर दोबारा दुकान पर सुबह अपने आए तो हमने देखा कि हमारा शटर फटा हुआ है सर। फिर हमने अपनी दुकान के अंदर एंटर करा तो हमने देखा सारा सामान अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है सर। और सर हमारी पहले 9 नंबर की चोरी हुई थी सर, पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, और अभी सर ये हाल सेम पोजीशन है सर। कितने की चोरी हुई सर? कम से कम 8-9 लाख की चोरी है सर मेरी यहाँ पे दुकान सर। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।